सुन, ये झाड़ू कितने के दिए? ये मैडम 50 रुपए की। अच्छा, तो एक काम कर, ये 2 झाड़ू दे दे। माफ कीजिएगा मैडम, मैं आपको और सामान नहीं दे पाऊंगी, मेरे पहले वाला हिसाब क्लियर कर दीजिए आप। What? क्या यार हेमू, तो इसके बकवास सुनाने के लिए इतनी दूर लेकर आई है मुझे? अगर तुझे झाड़ू लेनी थी तो कहीं और से ले लेते, इसकी बकवास क्यों सुन रहे हम यार? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तू चिल कर यार, मैं बात करती हूँ। क्यों बे, इतने ड्रामे क्या दिखा रही है? और वैसे भी सारा सामान तो तेरे यहीं से ले जाते ना, अब चुपचाप ना ये झाड़ू दे दे मुझे। 3 रुपए लेके कहीं भाग रही हूँ क्या? मैडम पिछले 6 महीने से मैं यही सुन रही हूँ, आप हमारे बारे में भी तो सोचिए ना, मेरा परिवार है, छोटे बच्चे हैं और मुझे बच्चों की फीस भी देनी है, तो आप प्लीज मेरे पहले वाले पैसे दे दीजिए। इसने बोला ना कि ये तेरे पैसे दे देगी तो मतलब दे देगी, फिर क्यों रोना धोना लगा रखा है तूने? चल फटाफट से 2 झाड़ू दे इसे। लेकिन मैडम ये क्या लेकिन वेकिन लगाया तूने? तुझे एक बार बोल के समझ नहीं आ रहे? और वैसे भी कौन सा करोड़ों रुपए देने तुझे, थोड़े से ही तो रुपए हैं। यार हेमू, हमें यहाँ ना आना ही नहीं चाहिए था। ये 2 कौड़ी के गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, जीवन में इन्होंने कभी पैसे देखे नहीं है और थोड़े से पैसे के लिए ये जान के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए मैडम, जिनको आप थोड़े से पैसे कह रहे हो ना, हमारे लिए वो बहुत है घर चलाने के लिए, लेकिन आप नहीं समझोगे। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें ज्ञान देगी? तो चाहती है ना कि तुझे 3 रुपए वापस मिल जाए? तो जैसा बोलती हूँ ना वैसा कर, तभी तुझे 3 रुपए वापस मिलेंगे। अभी चुपचाप ना झाड़ू मुझे दे दे। जी मैडम। चल। वाह यार हेमू, मान गए तुझे, आज तो मजा आ गया। ऐसों के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए, ये लोग अपनी औकात में नहीं रहते हैं। वैसे ना यार उसकी शक्ल ना देखने लायक थी। देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि एकदम बेस्ट जगह तुझे लेके आऊंगी, और देख हमारे पास सामान भी आ गया और हमने उसको रुपए भी नहीं दिए। सही कहा तूने यार। चल अब चलते हैं यहाँ से। चल। ओए सुन, जल्दी से एक बास्केट दे। अरे ये क्या, तूने अपने साथ एक लड़की भी रख रखी है काम करने के लिए? कल तक तो तू इतना रोया करती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतनी गरीब हूँ, और आज तूने काम करने को एक लड़की भी रख ली, फिर इसको पैसे कहाँ से देगी तू अब? अरे यार सीधी सी बात है, तू देख नहीं रही है कितना बड़ा बिजनेस है इसका, अकेले थोड़ी ना संभल रहा होगा, इसलिए तो एक बंदी रख ली है काम करने के लिए। ये लोग कितने ड्रामेबाज होते हैं यार, कल देखी तूने इसकी एक्टिंग, कैसे ड्रामा कर रही थी। खैर हमें क्या करना, और सुन ये सामान ना जल्दी पैक कर दे। ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ। ये लीजिए मैम पैसे। अरे यार कल तक तो ये रोया करती थी, अब आज तू आ गई एक नई। अगर आपने सामान लिया तो पैसे तो आप ही देंगी ना। ओए तू जानती नहीं है कि हम लोग कौन है? हाँ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप दोनों मुफ्त खोर हो जो फ्री में सामान लेके लोगों को परेशान करते हो। तमीज से बात कर, तेरा मुंह कुछ ज्यादा नहीं खुल रहा है? रुक यार, इसे तो मैं बताती हूँ, ये ऐसे नहीं समझेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया, तू है कौन? मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। IAS ऑफिसर? मैम लेकिन आप यहाँ कैसे? क्या हुआ, शौक लग गया? आंखें खुली की खुली रह गई। और हाँ तुम क्या पूछ रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई? तो मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुम जैसे मुफ्त खोरों की काफी कम्प्लेन आ रही थी, तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिल लेती हूँ। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं इनमें भी तो लगाम लगाना था ना। हाँ मैम, इन्होंने ना पिछले 6 महीने से मुझे परेशान करके रखा हुआ है, और रोज रोज मुझसे कभी कुछ सामान ले जाती हैं, कभी कुछ सामान ले जाती हैं, और पैसे भी नहीं देती, अगर मैं मांगती हूँ तो बदतमीजी करती है मेरे साथ। नहीं मैम ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये झूठ बोल रही है और तुम लोग सच बोल रहे हो, और जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया उसका क्या? मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ी हुई थी, तुम लोगों ने तो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, तो तुम इनके साथ कितना करती होगी? और मैम गलती तो आपकी है, अगर आप इन जैसे लोगों की पहले कंप्लेंट कर देती तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपको परेशान कर सके, और न जाने इन्होंने कितने लोगों को परेशान किया होगा। मैम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम आज के बाद ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, और ऐसे किसी भी गरीब के हक के पैसे नहीं खाएंगे, और हमें इन्हें जितने भी पैसे देने ना हम सारे लौटा देंगे। अच्छा माफ कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों के बोलने का तरीका कैसे बदल गया, वैसे ही बोलो ना जैसे पहले बोल रहे थे। मैम एक्सट्रीमली सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सॉरी माई फॉल्ट, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोगों के साथ ऐसे करते रहोगे और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए,
दिखने में तो तुम दोनों एजुकेटेड लगती हो, लेकिन हरकतें इतनी घटिया। तुम्हें पता है ये लोग गरीब हैं, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं दिन रात धूप में कुछ पैसे कमाने के लिए, और तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने इनके हक के पैसे ले लिए और तो और इन्हें परेशान किया, नीचा दिखाया। मुझे तो शर्म आ रही है कि आज के जनरेशन के बच्चे भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। न जाने तुम लोगों ने कितने लोगों के साथ ऐसी हरकत की होगी, कितने लोगों को ऐसे परेशान किया होगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों को इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, पर आराम से जेल में जाके सोचना कि तुम लोगों ने कितना गलत किया है। मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैम हमें माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दूँ? ऐसे कैसे माफ कर दूँ? तुम लोगों ने एक गरीब का हक मारा है, उनको परेशान किया है। तुमने तो ये भी नहीं देखा कि ये कितनी एजेड है, लेकिन तुम लोगों ने इनको इतना नीचा दिखाया। डोंट वरी, लेडी कांस्टेबल आने ही वाली होगी, फिर आराम से जाना और वहाँ माफ़ी मांगना। और मैम आप, अब से आपको ये लोग परेशान नहीं करेंगे, और अगर कोई और भी आपको ऐसे परेशान करता है तो प्लीज़ आप पहले मुझे बताएंगी और बिल्कुल नहीं डरेंगी। धन्यवाद मैम। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है।